बहुत शौक था कि नहीं हमें काम करना है और फिल्म लाइन में, और बहुत पहले से हम गाना भी गाते थे, तो सिंगिंग का भी शौक था और एक्टिंग का भी, तो इस तरह हम जुड़े। बहुत खुशी भी हुई, और इस फिल्म में तो हमें सपोर्ट के तौर पे तो डायरेक्टर सर का बहुत सपोर्ट मिला, चिंटू भैया का सपोर्ट मिला, पूनम जी का सपोर्ट मिला, और हमारे भाइयों का भी बहुत, उनके बड़े भैया थे, क्या बहुत कर रहे सपोर्ट हैं इस फिल्म में, मिला। क्या कर रहे हैं आप? इस फिल्म में नमित भैया के छोटे भाई का रोल मिला था हमें, तो उसे हमने प्रयास किया है कि वो दर्शकों को अच्छा है, अच्छा लगे, पूरा प्रयास किया हुआ है और आगे भी ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। किस तरह का कैरेक्टर था आपने जिसमें? उसमें हमें एक रोल मिला था जो कि एक लवर बॉय का मिला था, तो और उसमें था कि लव करते करते इतना मार खाना, उसमें डूब ही गए कि नहीं हीरो मार गए, हीरोइन डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ में काम करके कितना मजा आया आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? हम इतना कहना चाहेंगे कि नहीं, भगवान करें कि उनकी दिन दुना रात चौगुना हो, यही मनाएंगे पूरा। ओके सर, थैंक यू। तमाम एक कोई घंटी तमाम कोई दर्शकों को, एक मिनट एक मिनट, घंटी कहाँ बज रहे हैं? हाँ, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है शिवम सेठ। पहले मैं तमाम भोजपुरी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत नमस्कार। किस तरह से स्कूल में जुड़े हैं, क्या कर रहे हैं, आप बताइए। इस फिल्म के तो पहले प्रोड्यूसर हैं मेरे पापा और चाचा। इस फिल्म में मुझे रोल मिला है, वैसे मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, तो इस फिल्म में मुझे रोल मिला है संजय पांडे जी के बेटे का, और इस फिल्म मुझे बहुत अच्छा लगा करके, और मैं आगे चाहता हूँ मैं ऐसे ही फिल्में करते रहूँ, और मुझे अभी अभिनेता बनना है। क्या इसमें रोल कर, मतलब बेटे का रोल बन के, क्या कॉलेज स्टूडेंट है या क्या कर रहे? नहीं, मैं बाहर पढ़ता हूँ, वही मेरा स्टूडेंट। चल, कुछ धमाल उमाल कर रहे हैं, डांस वंस कर रहे कि नहीं? नहीं, मैं सिर्फ आता हूँ बाहर से पढ़कर, तो कुछ दिन आता हूँ फिर चला जाता हूँ। इस फिल्म के हीरो हीरोइन के बारे में क्या कहेंगे? इस फिल्म के हीरो नमित तिवारी सर जी हैं, वो बहुत अच्छे हैं एक्टर हैं, मैं चाहता हूँ उनके साथ और फिल्में करूँ मैं। आप उनसे मिले हैं? हाँ, मिला हूँ। लेकिन वो तो बोलते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ। नहीं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हीरोइन? हीरोइन पूनम दुबे जी है, बहुत अच्छी हीरोइन है। अच्छा, लेकिन नमित तिवारी जो, तो उनको गंदी बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी टीम के बारे में क्या कहना आपका? बाकी टीम के साथ फिल्म कैसी लगी आपको? मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, ये फिल्म बहुत अच्छा है, सभी लोग आप लोग देखिएगा। ओके ओके, आने वाला और भी कोई प्रोजेक्ट? सारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा भोजपुरी के सारे दर्शकों से, सभी लोग ये पिक्चर देखे 2018 में, पहले आप सभी लोग का दिन। बहुत अच्छी फिल्म बनी, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, आप सब लोग देखिए, आप सभी लोग देखिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिल्म के बारे में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि फिल्म बहुत ही बेहतरीन बनी है, और मेरा जुड़ाव इस फिल्म में एज ए राइटर, डायलॉग राइटर, और एज ए एक्टर है। किस तरह की एक्टर में मैं नमित तिवारी जी जो इसमें मेन हीरो हैं उनके दोस्त का करेक्टर किया हूँ। मेरे साथ एक कॉमेडियन रत्नेश जी भी हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि मुझे इस फिल्म में एज ए डायलॉग राइटर, जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी तो हमने उसमें करेक्शन किया, और करेक्शन के बाद में डायलॉग दिया, उसके बाद एक बहुत बेहतरीन फिल्म बन के सामने आई है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जैसा कि आप डायरेक्टर कर रहे हो, तो कोई इस फिल्म के एक डायलॉग बताइए जो काफ़ी मशहूर हुआ हो और मशहूर। एक्चुअली एक नाइट का शूट चल रहा था जिस वक्त नमित भैया थे, और एक कोई उनके अपोजिट एक विलेन था, तो वहाँ पे एट ए टाइम एट रेंडम बनाना था डायलॉग। तो यहाँ भोजपुरी में अभी फिलहाल तुकबंदी का कुछ ज़्यादा ही डायलॉग में चल रहा है, तो वहाँ पे पैसे का कुछ ये था, तो मैंने तुरंत बोला कि चलिए डायलॉग को बोल देते हैं, अरे छोकड़ा निकाल रोकड़ा और चल निकल, इस तरह से है। और इस फिल्म में मेरी एक डायलॉग है जिस डायलॉग में है कि हमरे रहते हमरे यार के प्यार के ले गई तदूर कोनो छू भी ना सकेला। क्या बात, थैंक यू, थैंक यू।